नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, पिछले जो टॉपिक्स थे ठीक है, उसमें हमने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है ठीक है, अपवाह तंत्र, यानी कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम बनता है ठीक है, रिवर्स का। देखिए, अपवाह तंत्र में दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों ने इसमें पढ़ना है जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसके बारे में, और दूसरा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उस भारत में बहने वाली नदियों के बारे में ठीक है। और सेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दो तरीके का अपवाह तंत्र है। एक क्या है, एक है ठीक है, ये हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र ठीक है। तो यहाँ पे को क्या होगा, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र ठीक। तो देखो, पूरे भारत में जो नदियों का फ्लो है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो जो ऊपर हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, और दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है नीचे को ठीक है, ये उत्तर भारत का जो मैदान है उससे नीचे को। तो फिलहाल देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा पहले ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जो मेन रिवर्स हैं, क्योंकि अब देखिए इतनी सारी रिवर्स हैं, हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ना ठीक है, उसके सहायक नदियों के बारे में पढ़ना, एकदम डिटेल में जाना हो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी काम का है हम लोग पढ़ेंगे, और जो फालतू का है उसको स्किप करते जाएंगे। और बाकी रहा जैसे जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम में क्या होगा कि उस स्टेट से रिलेटेड छोटी छोटी नदियों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे को अगर ठीक है कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, या फिर चलिए देखिए जैसे मैं गंगा नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो होगा क्या, अगर ये गंगा ठीक है जिन जिन स्टेट से होके गुजरती है, तो उन स्टेट्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे इससे डीप क्वेश्चन बनेंगे। मीन्स कि इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होंगी ठीक है, जैसे कुछ नाले होते हैं ठीक, कुछ गधेरे होते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे अगर मैं उसकी बात करूं सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी बात करूं, तो वहाँ पे को फिर इतना डीप नहीं जाएगा, वहाँ पे को जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किससे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से स्टार्ट करते हैं ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं किस किस के बीच। देखिए, ये आ जाता है हिमालयी अपवाह तंत्र ठीक है, और ये आ जाता है प्रायद्वीपीय ठीक है अपवाह तंत्र ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, पहले उस चीज़ को समझिए एक बार, कि जो हमारा ये है ना प्रायद्वीपीय भारत है हमारा ठीक है, यहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं ना ठीक है, वो हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा क्या है, प्राचीन है। मीन्स कि यहाँ जो नदियाँ बहती है वो पुरानी नदियाँ हैं ठीक है, ये क्या है अधिक प्राचीन है, किससे अधिक प्राचीन। तो यहाँ जो नदियाँ बहती है ना वो पुरानी नदियाँ हैं ठीक है, और हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं ये नवीन है, ये नई नदियाँ हैं एक तरीके से बोला जाए तो, ये बूढ़ी नदियाँ हैं और हिमालय से निकालने वाली जो नदियाँ हैं वो जवान नदियाँ हैं ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि देखिए, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं ना वो क्या है कि बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलती हैं ठीक है, और ये जो ग्लेशियर होते हैं ये साल भर क्या होते हैं, साल भर इन ग्लेशियर से नदियों में पानी बने रहता है। तो यहाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें क्या है ठीक है, साल भर पानी रहता है,
साल भर पानी रहता है, ठीक है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये डिपेंड करती हैं बारिश पे। तो ये क्या होती है कि जब बरसात कम हो जाती है तो यहाँ की जो नदियां हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये वर्षा पे निर्भर करती हैं, ठीक है। यहाँ की जो नदियां वो किस पे निर्भर करती हैं, वर्षा पे निर्भर करती हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं इनके बारे में, जैसे हाँ, ये जो नदियां हैं ना हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये जब मैदानी भागों में पहुंचती हैं, ठीक है, मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो ये विसर्पण करती हैं। क्या करती हैं, विसर्पण मीन्स कि ये नदियां इस तरीके से जैसे सांप चलता है ना, इस तरीके से फ्लो करेंगी। और यहाँ की जो नदियां हैं, ज़्यादातर नदियों की बात कर रहा हूँ, कुछ नदियां विसर्पण करेंगी वो अलग चीज़ है। ज़्यादातर नदियां क्या होती हैं, ज़्यादातर नदियों का मार्ग क्या होता है, मार्ग क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें क्या होगा, ज़्यादातर नदियों का मार्ग क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। और जो मैदानी भाग हैं वहाँ कुछ नदियाँ विसर्पण करेंगी। मैदानी भागों में क्या होता है, मैदानी भागों में विसर्पण होगा, ठीक है। मैदानी भागों में क्या होता है, विसर्पण होता है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसको मैं यहीं पे को लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, विसर्पण क्या होता है, मैदानी भागों में होता है, ठीक। तो इसको इस तरीके से समझिए। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हिमालय की नदियाँ क्या हैं, ये नई नदियाँ हैं तो इनको मैं बोल सकता हूँ कि ये जवान नदियाँ हैं, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की नदियाँ क्या हैं, पुरानी नदियाँ हैं तो एक तरीके से बूढ़ी हो चुकी नदियाँ हैं, ठीक। और हिमालय की नदियाँ ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलती हैं तो ये साल भर इनमें पानी रहता है, लेकिन जो नदियाँ ये प्रायद्वीपीय भारत में चलती हैं तो ये बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वर्षा होगी तो इनमें जल भरेगा और फिर जैसे जैसे क्या होगा, बरसात का मौसम चला जाएगा तो इनका जो पानी होगा वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। और ये जो हिमालय की नदियां हैं मैदानी भागों में विसर्पण करेंगी, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो भी मैदानी भागों में विसर्पण करती हैं, लेकिन ज़्यादातर नदियां क्या चलती हैं, सीधे चलती हैं, ठीक है। उनका मार्ग क्या होता है, सीधा होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं किसमें, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक। अब ये जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, ठीक, ये भी दो पार्ट्स में बटा है। तो सबसे पहले मैं इसी को स्टार्ट करूंगा, किसको, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो एक नई स्लाइड ले लें, चलो देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय, ठीक, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, ठीक, क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखिए ये जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसमें नदियों को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक वो नदियां, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में, ठीक, बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं, खाड़ी में, ठीक, पानी गिराती हैं। और दूसरी वो नदियां हैं जो कहां पे को पानी गिराती हैं, अरब सागर में, अरब सागर में, ठीक। अब देखिए इनमें है नर्मदा और ताप्ती, ठीक, ये यूनिक एग्जांपल है। हाँ
क्योंकि देखिए जो हमारा पश्चिमी भारत है ना, ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक ठीक भारत का ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये वाले हिस्से की जो ढाल है ना वो ढलान इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो नदियाँ हैं ना वो इधर की तरफ फ्लो करती हैं, और इसका ये वाला जो ढाल है ये कम है, तो यहाँ को नदियाँ फ्लो नहीं कर पाती हैं। नदियाँ जो हैं वो कहाँ को बहती है, यहाँ को। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या हैं, दो नदियाँ हैं जो इधर की तरफ बहती हैं और अरब सागर में क्या होता है, अपना पानी गिराती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो नर्मदा और ताप्ती है ना, ये भ्रंश घाटियों से होते हुए बहती हैं, ठीक है। किससे? भ्रंश घाटियों से। तो जब ये भ्रंश घाटियों से बहते हुए होते हुए बहती हैं, तो क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है ये इधर अपोजिट चलती है बाकी नदियों की। बाकी नदियाँ तो ढाल के अनुरूप चलती हैं, किसके अनुरूप? ढाल के अनुरूप चलती हैं, लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो ये कहाँ जाती हैं? ये यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। कहाँ पे गो? अरब सागर में। तो दो चीज़ पढ़नी है हमने, एक तो बंगाल की खाड़ी की जो ठीक है नदियाँ हैं, और दूसरा क्या, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि बेसिकली नर्मदा और ताप्ती के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि इसी में, हाँ, ये अरब सागर वाले में, कि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं ना, इधर जो नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ये ज़्यादातर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और यहाँ जो नदियाँ गिरती हैं, इनकी ये नर्मदा ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती हैं, इनकी ज्वारंद मुख, इसको क्या बोलते हैं? ज्वारंद मुख इसको बोलते हैं, ठीक है। ज्वारंद मुख यानी कि एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है स्पेलिंग, स्पेलिंग मेरे को ये एस्चुरी थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, ई एस टी यू ए आर वाई, चलो जो भी होती है, ठीक है, गलत भी हो रही होगी तो देख लेना। एस्चुरी क्या बोलते हैं इसको? ज्वारंदमुख बोलते हैं, ठीक। अच्छा देखो, ज्वारंदमुख और एस्चुरी क्या होता है उस चीज़ को देखना, ये सॉरी ज्वारंदमुख और ये डेल्टा क्या होता है एक बार इस चीज़ को समझो। देखो जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा क्या होगा कि जैसे नदियाँ हैं, जैसे मान लीजिए ये एक नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये नदी जब फ्लो करेगी तो इस नदी के बीच में क्या होगा कि जैसे जो कंकड़ पत्थर का जमाव होगा, क्या हो गया, तो इस नदी में क्या होगा ना, देखिए जो कंकड़ पत्थर का जमाव वगैरह होगा उससे क्या होगा कि इस तरीके से कंकड़ पत्थर का जमाव हो गया इस तरीके से, तो ये नदियाँ जैसे मान लीजिए दो पार्ट में फ्लो करने लग गए इस तरीके से, और एक शाखा इसकी इधर को इस तरीके से चले गई ना, तो ये जो जमाव होते होते ये बीच में क्या बन जाएगा, रुकना ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या बन जाएगा, बीच में एक डेल्टा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और ये जो नदियाँ हैं ये फ्लो करते करते कहाँ पे को मिल जाएंगी, मान लीजिए यहाँ पे को समंदर है, ठीक है, ये ओशन है, तो ये नदी भी कहाँ मिल जाएगी, ओशन में, और ये नदी भी कहाँ मिल जाएगी, ओशन में मिल जाएगी, ठीक। एस्चुरी में क्या होता है, ज्वारंदमुख में क्या होता है, नदी ऐसे ही फ्लो करेगी जैसे यहाँ पे को फ्लो कर रही है ना, वैसे ही नदी फ्लो करेगी, नदी फ्लो करके कहाँ पे को मिलेगी, ओशन में मिलेगी, ये भी समंदर में मिलेगी, लेकिन जब ये समंदर में मिलेगी ना, मिलने से पहले थोड़ा ऊंचाई से नीचे गिरेगी इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ऊंचाई से नीचे गिरेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वारंदमुख। देखो ये मैं इसको पिक में देखना है एक बार, ये देखो ये है डेल्टा, इस डेल्टा में क्या हो रहा है, इसको वाइट कलर से दिखाते हैं, हाँ देखो इस डेल्टा में है क्या ना, देखो ये है नदी, इस तरीके से नदी जाके कहाँ मिल गई, ये ओशन में मिल गई, समंदर में मिल गई, और देखिए नदी की छोटी, यहाँ पे को देखिए एक बार, नदी की छोटी छोटी धाराएं हैं ऐसे करके मिल गए समंदर में मिल जा रही है। तो ये जो इसका ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग ये ढलान में नहीं है, देखिए ये क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, लेवल में है, ये जैसे ये डेल्टा है, ये पूरा क्या हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक है, ये इधर पे कोई पूरा क्या हो गया, डेल्टा हो गया। तो ये जो डेल्टा है और ये जो समंदर है, इसका जो लेवल है दोनों का लेवल सेम है, लेवल क्या है, सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो ये अलग अलग पार्ट धाराओं में नदी बट के समंदर में मिल जा रही है। सिंपल सा है ये, समंदर में मिल जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये छोटे छोटे डेल्टा बने हैं यहाँ पे, कोई इस तरीके से, ये तो थोड़ा बड़ा सा डेल्टा हो गया। तो समंदर का लेवल और ज़मीन का लेवल ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है इसमें। और जो आप लोगों का ये है ना एस्चुरियन की जारिंदमुख, वो देखिए कैसा होता है। ये देखिए ये है नदी फ्लो कर रही है इस तरीके से, नदी फ्लो करके देखिए जब समंदर में मिलेगी, तो समंदर में मिलने से पहले ये देखिए थोड़ी सी ढलान है ना यहाँ पे, ऊंचाई इस तरीके से, ये यहाँ से क्या होगी समंदर में गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ समंदर का लेवल थोड़ा सा नीचे है और ज़मीन का लेवल थोड़ा सा ऊपर पे को है, लेकिन ये जो था आप लोगों का इसमें लेवल क्या है, देखो बराबर है लेवल ऑलमोस्ट। तो ये क्या होता है डेल्टा और ये क्या होती है एस्चुरी होती है। ठीक है, तो कहाँ पे को पहुँचे थे हम लोग, हाँ यहीं पे को पहुँचे थे ना। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये इधर जो नदियाँ गिर रही हैं ये किसका निर्माण करती हैं, ठीक है, हाँ बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, इनमें सबसे पहले है, ठीक है देखिए इनका जो मैं क्रम है उसको दिखा देता हूँ एक बार, फिर इसको साथ साथ ही मैपिंग भी करते जाएंगे इनके, तो मैप में आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। सॉरी, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है उत्तर से, अच्छा ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, आप पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे को सिर्फ इतना लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो देखो ये इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, कहाँ से, उत्तर से, ठीक है दक्षिण की ओर जो इनका क्रम होगा वो क्या होगा, देखिए मैं कुछ नदियों के नाम लिख रहा हूँ। उत्तर मतलब सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा, ठीक है स्वर्ण रेखा, ये खेरा लिख दिया मैंने, सॉरी स्वर्ण रेखा। ठीक, फिर देखिए स्वर्ण रेखा के नीचे आएगी क्या, वैतरणी, वैतरणी नदी। ठीक है, ये दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, अभी सब मैप में देखेंगे इसको। फिर आएगी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी कभी कभार ये क्रम भी पूछ लेते हैं तो याद रखना। फिर उसके नीचे आ जाएगी क्या, महानदी, महानदी, ठीक, फिर महानदी के नीचे आ जाएगी गोदावरी, महानदी के नीचे क्या आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के नीचे क्या आ जाएगी, कृष्णा, कृष्णा, फिर कृष्णा के नीचे आ जाएगी क्या, पेन्नार। ठीक है, पेन्नार, फिर पेन्नार के नीचे आ जाएगी कावेरी, कावेरी। ठीक है, फिर कावेरी के नीचे आ जाएगी क्या, पलार। ठीक है, पलार, फिर पलार के नीचे क्या आ जाएगी, वैंगई, वैंगई, फिर वैंगई के नीचे क्या आ जाएगी, ताम्रपर्णी। अब देखिए वैसे तो नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। ठीक है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ठीक है पलार, वैंगई, ताम्रपर्णी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो इन नदियों के बारे में हमने पढ़ना है, और जो इनमें से इनकी इंपॉर्टेंट वो हैं, ठीक है सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसमें, स्वर्ण रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में, स्वर्ण रेखा के बारे में। तो देखिए जो स्वर्ण रेखा है
चलिए यहीं पे को लिख देता हूँ, आप ऐसे ही उतार लेना ठीक है, स्वर्ण रेखा। तो एक बार सबसे पहले इसको मैप पे देखो, देखो ये है स्वर्ण रेखा, एक बार इसका मैप निकाल लो। हाँ कुछ यहाँ पे को इस तरीके से बहती है क्या स्वर्ण रेखा, देखिए ये रांची से निकलती है। अच्छा एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ ये निकलती है कहाँ से, रांची से, और रांची से निकल के ये ठीक है इधर बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से गिर जाती है। तो ये जो है ये क्या है स्वर्ण रेखा, ठीक है स्वर्ण रेखा, ये कहाँ से निकलती है रांची, ठीक है रांची से निकलती है। ये रांची से निकलती है ठीक है, रांची में क्या है इसका उद्गम होगा, इसका उद्गम कहाँ पे होगा रांची में होगा। और देखिए तीन स्टेट में बहती है, ये बहती है झारखंड, ठीक है झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और ओडिशा, ठीक है झारखंड पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीन स्टेट्स में बहती है। और देखिए इसी नदी में है हुंडरू जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात वो कौन सी नदी में है, ये स्वर्ण रेखा पे है, कौन सा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, ठीक है एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हाँ यार देखो अगर मेरे डिलीट करने तक बोर होते हो तो हल्का फुल्का स्किप कर सकते हो वीडियो को, और वैसे स्किप ना ही करो तो बेटर है, फिर देख लो पूरा क्या ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है मेरे वीडियो की भी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर पूरा देखोगे तो। तो देखो स्वर्ण रेखा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसका उद्गम कहाँ पे को है, ठीक है इसका उद्गम है रांची में, और झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ठीक है तीन स्टेट्स में बहती है, और हुंडरू जलप्रपात इसमें बनता है। ये हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे को है, झारखंड में है, कहाँ पे को है झारखंड में, ठीक है हुंडरू जलप्रपात है झारखंड में। और देखो जमशेदपुर, ठीक है जमशेदपुर, जमशेदपुर और रांची ये दो शहर हैं जो ठीक है किस नदी के किनारे बसे हैं, स्वर्ण रेखा के किनारे बसे हैं। कि जैसे अगर क्वेश्चन आ गया ना कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसे हैं, तो किसके किनारे बसे हैं, स्वर्ण रेखा के किनारे बसे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा है ब्राह्मणी नदी, ठीक है एक बार इसको डिलीट ही कर देते हैं। हाँ बीच में लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है उसके बाद कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। तो देखो जो ब्राह्मणी नदी है ना, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, ठीक है दूसरी कौन सी नदी है, दूसरी है ब्राह्मणी नदी। देखिए ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो भी रांची के ही समीप है, इसको लिख देते हैं रांची के समीप, ठीक है ब्राह्मणी का उद्गम कहाँ है, रांची के समीप है। तो बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहाँ पे को दिखा देते हैं एक बार, ठीक है इसको दिखाएंगे ऑरेंज से दिखाएंगे इसको। तो इस तरीके से आती है, हाँ ये रांची के नज़दीक से निकलती है और इस तरीके से बहते हुए
थोड़ा इस तरीके से कटते हुए यहाँ पे को आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? ब्राह्मणी। ठीक, कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक, उसके बाद अगली नदी आती है कौन सी? महानदी। देखिए महानदी कुछ इस तरीके से निकलती है, इसको पहले दिखा देता हूँ फिर वो कर लेना। कुछ इस तरीके से उत्तर को, हल्की सी उत्तर को बहती है, फिर दक्षिण की ओर आती है। ठीक है, फिर इस तरीके से करके ये यहाँ इसके साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? अच्छा एक मिनट रुकना, हाँ मैं इन नदियों के नाम यहाँ पे को ना लिख के यहाँ पे को लिख देता हूँ, इससे फिर शिट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए ये है स्वर्ण रेखा, ये नदी आ गई कौन सी? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ठीक है, और उसके नीचे आ गई कौन सी? उसके नीचे आ गई है महानदी। महानदी ये कौन सी नदी आ गई? महानदी आ गई। ठीक है, तो महानदी के बारे में कुछ फैक्ट। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, तो देखो महानदी जो है इसका उद्गम है अमरकंटक में, सिहावा पहाड़ियाँ, अमरकंटक। अमरकंटक में क्या है इसका उद्गम है? अमरकंटक की सिहावा पहाड़ियों में। ठीक है, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ियों में क्या है इसका उद्गम है। और इसमें दो परियोजनाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, हीराकुंड और टिकरपारा। हीराकुंड और ठीक है क्या टिकरपारा, हीराकुंड और टिकरपारा परियोजना किस में है? हीराकुंड और टिकरपारा परियोजना इसी में है। कौन सी नदी है ये? ठीक है, ये है महानदी। ठीक, अमरकंटक में इसका उद्गम है और सिहावा पहाड़ियाँ, अमरकंटक सिहावा पहाड़ियाँ, हीराकुंड और टिकरपारा परियोजना इसी में है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक, सहायक नदियाँ ये हैं कौन कौन सी? देखिए ये है हंसदेव, ठीक, हंसदेव और इब और शिवनाथ, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जोंक हो गई, ये सब क्या है? महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, उसके बाद आती है हमारी क्या? गोदावरी। तो देखिए एक बार गोदावरी को देखते हैं। हाँ, गोदावरी जो है ना, गोदावरी इस तरीके से फ्लो करती है। देखिए गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से आते हुए, यहाँ सॉरी महाराष्ट्र से गोदावरी शुरू करती है और इस तरीके से फ्लो करते हुए आती है, और यहाँ से फ्लो करते हुए इस तरीके से दक्षिण को होते हुए यहाँ निकल जाती है। ये क्या है? ये है महानदी। ये कौन सी नदी है? महानदी। ठीक, इसकी दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। एक तो देखिए, एक यहाँ से आती है पेनगंगा, ये किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। और दूसरी इस तरीके से यहाँ से आके मिलती है, इसमें इधर पे को मिलती है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती ये है क्या? इंद्रावती। ठीक, ओह शिट, महानदी लिख दिया मैंने इसको, ये महानदी नहीं, ये तो गोदावरी है, मैंने क्या गलत लिख दिया इसमें, ये जो नदी है ये गोदावरी है, ये महानदी नहीं है। ठीक है,
सॉरी हाँ, ये हो जाता है कभी कभी ऐसा, गोदावरी। ठीक, तो देखिए गोदावरी यहाँ से निकलती है और कहाँ, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो पेन गंगा और इंद्रावती इसकी दो क्या होती है, सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक, तो ये बनेगा हमारा क्या, गोदावरी जो है। ठीक है, इसका जो उद्गम है, उद्गम क्या लिख दिया मैंने, उद्गम। ठीक है, इसका जो उद्गम है ये है क्या, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे गए हैं, महाराष्ट्र में। और ये तीन स्टेट से होके नदी बहती है, वो तीन स्टेट कौन कौन से हैं, ये है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीन हिस्सों से होके क्या होती है, तीन स्टेट से होके गुजरेगी। और ये ध्यान देना, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक, ये क्या है, दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में क्या क्या है, ये हो गई प्रवरा। ठीक, प्रवरा, पूर्णा। ठीक, प्रवरा, पूर्णा, वेन गंगा, वेन गंगा। ठीक, पेन गंगा, पेन गंगा। ठीक, और प्राणहिता, प्राणहिता। ठीक, इंद्रावती, इंद्रावती, और मंजीर, मंजीर। ठीक, और वर्धा। तो ये सब क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ, किसकी, गोदावरी की। ठीक, गोदावरी के बाद, हाँ देखो इसमें ये जो दो नदियाँ हैं ना, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये शायद मैंने यहाँ पे को लिख दिया। देखो प्राणहिता और इंद्रावती, शायद ये वीडियो के पीछे चले गया होगा, वैसे जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फिर वो स्क्रीन में दिखता नहीं है ना, तो तभी अंदाज़ा नहीं आता है कि ये कहीं वीडियो के पीछे तो नहीं चले गया। तो इधर भी शायद कुछ चीज़ें वीडियो के पीछे गई होंगी ना, इसमें तो नहीं गई होगी इसमें, चलो जो भी है इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो प्रवरा, पूर्णा, वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, वर्धा, ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें दो नदियां कौन कौन सी, ये है मंजीरा और प्रवरा, कौन कौन सी, मंजीरा और प्रवरा, मंजीरा और प्रवरा, ये दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, दक्षिण की तरफ से मिलती है, दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। ठीक, और इसमें दो परियोजनाएं हैं गोदावरी नदी पे, कितनी परियोजनाएं हैं, दो परियोजनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो है पोचमपाद परियोजना, ठीक, और दूसरी जो परियोजना है ये है जायकवाड़ी परियोजना। कौन कौन सी, एक तो है क्या, ठीक, एक तो क्या है पोचमपाद परियोजना, ठीक, और दूसरी क्या है जायकवाड़ी परियोजना।
ये कौन सी नदी पे हैं? ये दोनों हैं गोदावरी नदी पे। ठीक, ये दोनों परियोजना कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। उसके बाद आती है कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद आएगी कृष्णा नदी। तो चलिए यहाँ पे को दिखाते हैं, हाँ मैप में दिखाते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को कौन से कलर से दिखाएं? कृष्णा नदी को हम लोग दिखाएंगे ये वाले कलर से, तब ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। कहाँ गई हमारी कृष्णा नदी? हाँ, कृष्णा नदी कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगी और कुछ इस तरीके से चलते हुए, ठीक, ये फिर हल्का सा उत्तर की तरफ, फिर इस तरीके से जो ये वाला एंड है ना, यहाँ पे को आ जाएगी क्या? कृष्णा। ठीक, यहाँ पे को क्या आ जाएगी? कृष्णा। देखो, ये जो कृष्णा नदी है ना, इसमें ऊपर की तरफ से इस तरीके से मिलती है कौन सी? ये मिलती है, इसको मैं ऐसे नाम लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे को लिख, इसका नाम यहाँ पे को लिख देता हूँ मैं। ये नदी है, ठीक है, भीमा। अच्छा एक मिनट रुको, वहीं पे को लिख लेते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये नदी कौन सी है? ये नदी है भीमा। ठीक है, और कृष्णा से एक नदी नीचे से मिलेगी, ये नदी इस तरीके से मिलेगी, ये है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा देखो, एक नदी इस तरीके से नीचे से मिलती है, ये है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ठीक है, और ये जो मेन नदी है, ये मेन नदी कौन सी है? यहाँ पे को लिख देता हूँ कृष्णा। ठीक है, ये मेन नदी कौन सी है? ये मेन नदी है कृष्णा नदी। तो इसको, ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लें। चलिए देखिए, ठीक, कृष्णा, तो देखिए जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की, ठीक, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी, और दूसरी कौन सी है? कृष्णा। ठीक, दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ पे को है? इसका उद्गम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर, ठीक है, चोटी। कहाँ है ये महाबलेश्वर चोटी? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये जो है, ये तीन स्टेट से होके ये नदी गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सॉरी चार स्टेट से, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है ना, उसके बीच है कोलेरू झील। कोलेरू झील ये कहाँ पे को है? कृष्णा और गोदावरी के बीच, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी के डेल्टाओं के बीच। यहाँ पे को देखते हैं, हाँ एक बार इसको, ये है, देखिए ये कृष्णा है, ये गोदावरी ना, तो यहाँ पे को, अच्छा ये तो अलग ही टाइप का कलर आ गया, चलो येलो से ही दिखा देते हैं।
यहाँ पे को क्या है, कोलेरू झील है, ठीक, कोलेरू झील, ठीक, यहाँ पे को क्या है, कोलेरू झील। कहाँ पहुँचे थे हम इसमें ना, हाँ, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं के बीच क्या है, कोलेरू झील, ठीक। और देखो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा क्या है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक, सहायक नदी कौन सी, तुंगभद्रा, ये कृष्णा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक, अन्य सहायक नदियां ये कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये है भीमा घाट प्रभा। अब इसको देखो मैप में दिखाएंगे नहीं, हाँ, वरना मैप में को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भीमा हो गई, घाट प्रभा हो गई, और माल प्रभा हो गई, ठीक है, माल प्रभा और दूध गंगा और कोयना और मूसी, ये सब इसके लिए हैं सहायक नदियाँ, ठीक। तो बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे की नदियों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।